आप देख रहे हैं पी न्यूज उत्तर प्रदेश खबरों का बादशाह। जालौन में कोंच कोतवाली क्षेत्र के आरजी लाइन मोहल्ले के पास एक व्यक्ति की हत्या का मामला सामने आया है। बेरहमी की सारी हदें पार करते हुए अज्ञात हत्यारे ने आरजी लाइन कोंच निवासी इकराम कुरैशी की बेरहमी से हत्या कर दी और शव को पास के एक खेत में फेंक दिया। इतना ही नहीं, हत्यारे ने किसी नुकीले हथियार से गोद कर इकराम कुरैशी की दोनों आंखें फोड़ दी। सुबह जब स्थानीय लोगों ने खेत के किनारे पर युवक का शव पड़ा देखा तो उन्होंने इस घटना की सूचना मृतक के परिजनों और पुलिस को दी। सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारी घटना स्थल पर पहुंचे और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। इसके अलावा फॉरेंसिक टीम भी मामले की जाँच कर साक्ष्य एकत्रित कर रही है। साथ ही मौके पर पहुंचे पुलिस अधीक्षक डॉक्टर सतीश कुमार ने बताया कि हत्या के मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है। शीघ्र ही हत्यारे पुलिस की गिरफ्त में होंगे। सर, कोंच नगर में अधेड़ व्यक्ति की हत्या का मामला है, सर क्या है मामला पूरा? ये कल शाम को जब बकरी चरा रहे थे तो इनके 14 वर्षीय बच्चे ने ये बताया कि ये साथ में आए इनके जो जानने वाले हैं, इनके साथ दो लोग अज्ञात थे। वो लोग इनको शाम को ले गए, उसके बाद ये घर लौट कर नहीं आए और जिनका नाम बताया जा रहा है वो भी लौट कर नहीं आए। इसमें जो इकराम कुरैशी हैं, पुत्र इशाक कुरैशी रैजी लाइन के रहने वाले हैं, जो 52 वर्ष के आसपास की उम्र, 45 से 50 की उम्र बताई जा रही है, इनकी रात में इन्होंने हत्या कर दी है, जिसमें इनके गले में निशान है और सर में भी इनके चोट के निशान हैं। अभी जल्दी ही इन लोगों का खुलासा किया जाएगा और जो लोग हैं इनकी जल्द से जल्द गिरफ्तारी करेंगे। सर, इसमें निकल कर आई सामने? अभी तक जानकारी में कोई वजह नहीं निकल के आ रही है। लोगों का कहना है कि इनका कहीं कोई झगड़ा नहीं था, कोई विवाद नहीं था, लेकिन अभी जानकारी की जाएगी और अभी की घटना है थोड़ी देर पहले की, जल्दी इसमें खुलासा किया जाएगा।